मेरे हम उम्र साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आज मैं स्वाति यादव आप सबके सामने जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की एक संयुक्त प्रत्याशी के रूप में आप सबके सामने खड़ी हूँ और आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है, ये सही और गलत के बीच का चुनाव है। हमने गलत को दो दो बार भुगत के देख लिया और आज मैं आप सबके सामने ये कहने आई हूँ कि देखिए, एक पढ़े लिखे युवा को, एक पढ़े लिखे युवा को जिस प्रकार से हमारे भाई दुष्यंत ने सांसद बनकर संसद में एक बदलाव लाया है, इसी प्रकार से आप आज अपनी इस बहन, अपनी इस बेटी को, इस पढ़ी लिखी बहन बेटी को जो है एक मौका देने का काम करिए, एक अवसर देने का काम करिए ताकि मैं अपने प्रदेश में, अपने हरियाणा में विकास ला सकूं, उन्नति ला सकूं। देखिए, आज मैं राजनीति से जुड़ रही हूँ, आज मैं अगर राजनीति से जुड़ रही हूँ तो मैं छल कपट करने या व्यापार करने के माध्यम से नहीं जुड़ रही हूँ। आज अगर मैं अपने करोड़ों की तनख्वाह को छोड़कर, विदेश को छोड़कर और सुख सुविधा की जिंदगी को छोड़कर अगर आज राजनीति से जुड़ रही हूँ तो समाज सेवा के भाव से जुड़ रही हूँ। और आज आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहती, आप लोगों से सिर्फ आपका सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग आज भी सहयोग करें और आगे भी आप लोग जो है सहयोग करते रहे। आप लोग अगर आज हमें साथ देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि हम एमपी भी बनेंगे, हम एमएलए भी बनेंगे, हम सीएम भी बनेंगे, हम पीएम भी बनेंगे। आप लोगों का आज साथ चाहिए और आगे भी चाहिए। आप लोग यहाँ आए, मुझे मेरी बात रखने का आप लोगों ने मौका दिया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।